गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एट हु इज़ हैवियर हैवियर मीन्स भारी मतलब कौन सी चीज़ भारी है ठीक है जैसे आप कोई भी चीज़ लोगे या तो वो हल्की होगी या भारी होगी तो कोई चीज़ आपको हल्की कैसी लगेगी जिसे आप आसानी से उठा सको तो वो क्या होगी हल्की और कोई चीज़ आपको भारी कैसी लगेगी जिसे मुश्किल होगी उठाने में तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है वो भारी है ठीक है तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं गुड़ जैगरी एंड ग्राउंड नट्स शबनम लव्ड टू ईट जैगरी गुड़ एंड ग्राउंड नट्स शबनम को जैगरी एंड ग्राउंड नट्स खाना बहुत पसंद है जैगरी को हिंदी में गुड़ कहते हैं ग्राउंड नट्स को हिंदी में मूंगफली कहते हैं ठीक है वन डे शी bought वन के जी ऑफ जैगरी एंड वन के जी ऑफ तो एक दिन शबनम ने वन के जी जैगरी खरीदी एंड वन के जी नट्स खरीदे यू नो डैट किलोग्राम इज़ ऑल्सो रिटर्न एज के जी आपको पता है कि किलोग्राम को के जी भी लिख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट सी द पिक्चर इन दिस पिक्चर शबनम ने वन के जी नट्स एंड वन के जी जैगरी खरीद खरीदी ओ द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन द जैगरी तो जो ग्राउंड नट्स हैं वो दिखने में जैगरी से बहुत ज़्यादा हैं ठीक है आर द ग्राउंड रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर तो जो ग्राउंडनट्स हैं वो सच में जैगरी से वेट में ही ज़्यादा हैं या बस दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो ग्राउंडनट्स हैं वो सिर्फ दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं वेट दोनों का सेम है शबनम ने वन के जी ग्राउंडनट्स एंड वन के जी जैगरी खरीदी है इसलिए वेट दोनों का सेम है नट्स सिर्फ दिखने में ज़्यादा है ऐसा क्यों क्योंकि जो ग्राउंड नट्स होते हैं मूंगफली आपने खाई होगी कितनी छोटी छोटी होती है तो वो वन के जी में बहुत सारी आती है इसीलिए नट्स के लिए बिगर बैग का यूज़ किया गया है ठीक है और जो जैगरी होती है जो गुड़ होते हैं वो थोड़े बड़े पीसेस होते हैं तो वन के जी में फोर टू फाइव पीसेज ही आते हैं इसलिए जैगरी के लिए स्मॉलर बैग का यूज़ किया है ठीक है तो ग्राउंड नट्स सिर्फ दिखने में ज़्यादा है वेट दोनों का सेम है वन के जी नट्स, वन के जी जैगरी ओके स्टूडेंट्स आगे देखो नाउ गैस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग अब आपको बताना है कि किसके लिए बिगर बैग की ज़रूरत है वन के जी पॉपकॉर्न और वन के जी शुगर तो पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न आप सबने खाए होंगे ठीक है पॉपकॉर्न कैसे होते हैं हल्के से होते हैं लेकिन जो शुगर है चीनी उसका थोड़ा सा वेट होता है सो so, जब आप वन के जी पॉपकॉर्न लोगे तो वो बहुत सारे आएंगे लेकिन जब आप वन के जी शुगर लोगे तो वो थोड़ी कम आएगी इसीलिए बिगर बैग आपको पॉपकॉर्न के लिए चाहिए होगा ऐसी सेकंड वाला है वन के जी पीज और वन के जी पोटेटोज पीज मतलब मटर मटर देखें आपने कितने छोटे छोटे होते हैं मटर और पोटैटोज़ आलू तो जब आप वन के जी पीज लोगे तो वो बहुत सारे आएंगे लेकिन जब आप वन के जी पोटैटोज लोगे तो वो फाइव टू सेवन पोटैटोज़ ही आएंगे तो बिगर बैग आपको आपको पीस के लिए चाहिए होगा ठीक है स्टूडेंट्स आगे देखते हैं पम्पकिन टोमेटो पंगा दिस इज़ द प्ले ग्राउंड वेयर टोमेटोज कम टू प्ले एवरी डे ये एक प्ले ग्राउंड है जहाँ टोमेटोज रोज खेलने के लिए आते हैं दे लव प्लेइंग ऑन द सीसा उन्हें सीसा में खेलना बहुत पसंद है वन डे अ बिग पम्पकिन कम्स एंड सिट्स ऑन वन साइड ऑफ द सीसो तो पम्पकिन होता है कद्दू तो एक दिन एक बड़ा पम्पकिन आया और सीसो के एक साइड जाके बैठ गया वेन ही डज नॉट गेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम जब वो बहुत देर तक नहीं उठा द टोमेटोज डिसाइड टू सिट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो अपट ही फॉल्स ऑफ तब टोमेटोज ने डिसाइड किया कि वो सीसो की एक तरफ जाके बैठ जाएंगे पम्पकिन को उठाएंगे ताकि वो गिर जाए ठीक है द लिटिल टोमेटोज स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन टू द अदर साइड तो जो लिटिल टोमेटोज थे जो छोटे टमाटर थे वो चढ़ने लगे दूसरी साइड सी सो के वन टू थ्री फोर फाइव अप टू ट्वेंटी फ़ाइव तो ट्वेंटी फाइव लिटिल टोमेटोज चढ़ गए सी सो के दूसरी साइड हो द पमकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग पंपकिन अभी भी बैठा हुआ है और हंस रहा है सो द बिग टोमेटोज डिसाइड टू हेल्प तो जो बड़े टोमेटोज थे उन्होंने सोचा कि हम इनकी हेल्प करते हैं द लिटिल वंस गेट डाउन तो जो छोटे टोमेटोज थे वो उतर गए एंड मेक वे फॉर द फैट वंस और जो मोटे टोमेटोज थे उनके लिए जगह बना दी वन टू थ्री फोर अप टू ट्वेंटी तो ट्वेंटी बिग टोमेटोज जाके सीसो की दूसरी साइड बैठ गए ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर तो वो खुश हो गए क्यों पम्पकिन ऊपर एयर में आ गया इट शाउट्स ब्रिंग मी डाउन ब्रिंग मी डाउन प्लीज और पमकिन शोर करने लगा मुझे नीचे उतारो मुझे नीचे उतारो ठीक है अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप तो कितने स्मॉल टोमेटोज चाहिए होंगे टू लिफ्ट द पम्पकिन अप तो टेन नहीं ट्वेंटी नहीं ट्वेंटी फाइव टोमेटोज स्मॉल टोमेटोज तो बैठे थे सीसो में तभी भी पम्पकिन नहीं उठा वो बैठ के हंस रहा था तो हमको फोर्टी टोमेटोस चाहिए होंगे टू लिफ्ट द पम्पकिन अप ठीक है स्टूडेंट्स हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन कितने बड़े मैंगोज चाहिए होंगे बैलेंस करने के लिए पम्पकिन को तो स्टूडेंट्स मैंगोज का वेट ज़्यादा होता है टोमेटोस से तो हमको ट्वेंटी बिग मैंगोज चाहिए होंगे टू बैलेंस द पम्पकिन ओके स्टूडेंट्स आगे देखो हाउ मैनी पमकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन दी सॉ तो कितने पम्पकिंस चाहिए होंगे आपको बैलेंस करने के लिए सीसो में तो टेन पम्पकिंस चाहिए होंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर एट का पार्ट फर्स्ट था नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स